दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे Realme के 5 Pro के बारे में। यहाँ पर कई सारी जो लीक्स हैं वो यहाँ पर सामने आ चुकी हैं, इसका जो लुक है दोस्तों वो भी यहाँ पर लीक हो चुका है। तो आज बात करेंगे कि इसका दिखने में ये फोन कैसा रहने वाला है और साथ में क्या क्या आपको स्पेक देखने को मिलेंगे, डिस्प्ले इस फोन की कैसी रहने वाली है और आपको क्या फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है, टाइप सी पोर्ट मिलेगा, सभी चीज़ों की जानकारी लेंगे एक ही वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना। तो ये बिना किसी देरी करते हैं स्टार्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पर अगर Realme 5 Pro में बात करें तो बिल्कुल सेम Realme 3 Pro की तरह ही आपको पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की बैक देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ग्लास का इन्होंने यूज़ नहीं किया है, आप इनके टीज़र में भी आराम से इस बात को नोटिस कर सकते हो और बिल्कुल यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक ही देखने को मिलेगी। बैक में आपको 4 कैमरा पीछे देखने को मिल जाएंगे, साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक में ही देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 या 6.53 इंच की आपको फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर जो डिस्प्ले का स्टाइल है वो आपको वाटर ड्रॉप नोच वाला ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको Realme 3 Pro में देखने को मिला था। अब कई सारी रूमर्स थी कि AMOLED डिस्प्ले आपको मिलेगी, IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन कई सारी चीजें दोस्तों अब सामने, हालांकि क्योंकि लॉन्च कर ली है तो इससे पहले ही यार कई चीजें क्लियर हो रही हैं और धीरे धीरे यहां पर स्ट्रॉन्ग लीक से दोस्तों कि आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। आप स्क्रीन पर एक फोटो भी आराम से देख सकते हो। यहाँ पर आपको मैं चिपसेट के बारे में जानकारी दे दूँ तो कल ही दोस्तों एक लीक हुई थी कि 8GB रैम के साथ स्नैपड्रैगन 710 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज दोस्तों लीक में आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन का 712 आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बढ़िया चिपसेट है, वीवो Z1 Pro में भी दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाता है। साथ में आपको कलर OS 6 ही देखने को मिलेगा, कोई इनका नया Realme OS आपको देखने को नहीं मिलेगा। Android 9 Pie पर आपको देखने को मिलेगा और जो मैक्सिमम रैम सपोर्ट है दोस्तों वो आपको 8GB और 128GB वाला वेरियंट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम बैटरी डिपार्टमेंट की। तो बैटरी दोस्तों आपको 4045 mAh की यहाँ पर मिलने वाली है। टाइप सी का पोर्ट आपकी बार आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में दोस्तों आपको वूक 3.0 फ्लैश चार्ज भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप काफ़ी स्पीड से फ़ोन को चार्ज कर पाओगे। यहाँ पर 5000 mAh की जो बैटरी जो उन्होंने टीज़ की थी वो Realme 5 के लिए थी। Realme 5 Pro में दोस्तों आपको मिलेगी 4045 mAh की बैटरी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। Realme 3 Pro में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, हालांकि अपडेट के बाद उसमें कुछ इश्यू आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर हम कैमरा की बात करें तो फ्रंट में दोस्तों यहाँ पर लिखे कि 25 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, इसको बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बैक में कैमरा है वहाँ पर आपको सोनी IMX586 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो Redmi Note 7 Pro में आपको देखने को मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पर एपरेचर 1.8 आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी कैमरे का, जो कि 48 MP का है। साथ में 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा मिलेगा 119 डिग्री पर। इसके साथ ही दोस्तों 2 MP का आपको मैक्रो लेंस और खबर के अनुसार 2 MP का ही आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से 2 MP डेप्थ सेंसर की जगह अगर 5 MP डेप्थ सेंसर हो तो वो ज़्यादा बेटर है, बट देखते हैं फाइनली क्या चीज़ है। 4 कैमरा है दोस्तों इस फोन में। अब ओवरऑल ये है यार फोन के रिगार्डिंग सभी संबंधित चीज़ें जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं बिल्कुल छोटे फॉर्मेट में। तो यहाँ पर जो फोन की प्राइसिंग होगी वो यहाँ पर निकल कर आई है 14990 या 14999, 4GB और 64GB वाले वेरिएंट की। साथ में आपको 3.5mm जैक मिलेगा और एक्स्ट्रा में आप मेमोरी कार्ड को भी लगा सकते हो दो सिम के साथ साथ। तो ओवरऑल ये थी वीडियो, आप नीचे कमेंट करके बताना कि ये फोन कैसा साबित होने वाला है, क्या सक्सेसफुल होगा, क्या ये कम्पीट कर पाएगा Redmi Note 8 Pro को, जिसकी सरप्राइज लॉन्च दोस्तों हो सकती है यहाँ पर 29 अगस्त को चाइना में। तो देखते हैं क्या होता है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें इतना ही वीडियो में, फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।